अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फोन के अंदर अपने ऐप्स को लॉक कर सकें, आप चाहते हैं कि आप अपना मैक्स प्लेयर ये सब लॉक करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी फोटोज आपके बिना कोई ना देखे, आपकी परमिशन के बिना कोई ना देखे, तो आप Realme X3 Super Zoom के अंदर अपने एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी वीडियो है, बस आपको लास्ट तक देखनी है और आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। अगर आपने ये शक्ल पहली बार देखी है या फिर पहली बार देखी है तो यार सब्सक्राइब कर दो ना, ठीक है। और आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, ऐसा बहुत मतलब 99.9% ऐसा हो सकता है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो या फिर नहीं कर रखा हो, बट जो भी है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सिंपली क्लियर कर देंगे कि Realme X3 Super Zoom के अंदर हम कैसे अपने एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन को लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमारे काफ़ी सारे फोटोज़ वगैरह और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो कि हमको अपने ऐप के थ्रू लॉक करनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा हम लॉक करने वाले हैं इस वीडियो की मदद से, तो आप वीडियो को कंप्लीटली देखते रहना। अगर आपके पास Realme का कोई और डिवाइस भी है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो सिंपली ये करने के लिए हमको सबसे पहले वही एक ही जगह रहती है, वो रहती है सेटिंग्स। तो आपको सेटिंग्स के अंदर आ जाना है, तो हम यहाँ से सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है प्राइवेसी का, तो प्राइवेसी पे आपको आ जाना है। प्राइवेसी में आने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप लॉक। तो सिंपली हमको ऐप लॉक पे क्लिक करना है और सेट पासवर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछ रहे हैं सेट प्राइवेसी पासवर्ड, यहाँ से अपना सेट प्राइवेसी पासवर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अदर इंस्क्रिप्शन मेथड्स मिले यानी कि टाइप्स ऑफ लॉक मिले, तो यहाँ से आपको देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉक स्क्रीन लॉक देखने को मिल जाते हैं आपको। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉक ओके, तो ये देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ से आप अपना चूज कर सकते हैं पैटर्न कोड, 4 डिजिट पासवर्ड या 4 to 16 डिजिट पासवर्ड, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं डेफिनेटली चूज करने वाला हूँ यहाँ से पैटर्न कोड, क्योंकि पैटर्न कोड मेरे को ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करके इसको करते हैं हम डन ओके। तो ये हो चुका है, इसके बाद यहाँ से पूछ रहे हैं पासवर्ड रीसेट थ्रू क्वेश्चन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है कि अगर इनकेस आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको यहाँ से उसका आंसर देके, अपने क्वेश्चन का आंसर देके आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो मेरे टीचर्स का नाम पूछ रहा है तो मैं अपने टीचर्स का नाम डाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है ओके। तो मैं ऐसा करता हूँ उसको डन। ये करने के बाद आपके सामने लॉक स्क्रीन खुल चुकी है, यानी ऐप जितने भी ऐप्स हैं उनके सारे लॉक की जो लिस्ट है वो खुल चुकी है। तो यहाँ पे लगभग करीब 5 एप्लीकेशन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुए आते हैं। यहाँ से हम अमेजोन को चूज करते हैं और इसको हम करते हैं लॉक, तो इनको हम लॉक करने वाले हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है यहाँ से यूज़ फिंगरप्रिंट एंड फेस डाटा, हम इसको यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हम फिंगरप्रिंट और अपने जो आपका फेस लॉक रहता है उसके साथ भी इनको ओपन करना चाहेंगे। तो ये हो गया है डन। अब हम इनको एक बार चेक कर लेते हैं, तो हम यहाँ से यूट्यूब को ट्राई करते हैं। तो ये फिंगर से खुल रहा है, काफ़ी बढ़िया बात है, ठीक है। इसके बाद जो और भी थे यहाँ पे आई थिंक गैलरी थी, ये इसको खोलना है हमको, ठीक है। तो इस प्रकार से खोल सकते हैं हम, काफ़ी ईजी है इनको करना। तो अब हम सिंपल से इनको अगर हम अनलॉक करना चाहें तो आपको सिंपल से सेटिंग के अंदर जाना है, वापस से प्राइवेसी के अंदर आ जाना है और ऐप लॉक के अंदर आना है और आपको अपना पासवर्ड कंफर्म कराना है। कंफर्म कराने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सो लॉक्ड ओनली, इस पर क्लिक करना है आपको और यहाँ से आप इनको यूट्यूब को क्लिक करें ऑफ कर दें ओके, फोटोज़ को क्लिक करें ऑफ कर दें और आप फोन को क्लिक करें ऑफ कर दें। तो ये काफ़ी आसानी से आप इनको लॉक और अनलॉक कर सकते हो। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड